Good afternoon to all of you and An Academy Let's Crack Rajasthan exam पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि राजस्थान की एक रणनीति, एक प्रीलिम्स की रणनीति, चूंकि हम बुक लिस्ट की बात कर चुके थे और सिलेबस की हमने बात कर ली थी, आरएस बुक लिस्ट और सिलेबस की बात कर चुके थे, हम आज आरएस प्रीलिम्स 2018 के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और अन अकेडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर हमारे वेरियस जो टीचर्स हैं वो आपके पूरे आरएएस रीट पटवार पुलिस की कंप्लीट जो आपकी तैयारी करवा रहे हैं। मेरा नाम सुरेश पुरोहित है और पिछले 4 साल से विभिन्न कोचिंग क्लासेज में पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं और अन अकेडमी भारत का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ भारत के बेहतरीन टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। आपको काम एक करना है कि आपको अन अकेडमी पर रजिस्टर करना है, जिससे डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। देखिए अन अकेडमी पर रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको आरपीएससी सेक्शन पर जाना है। आरपीएससी सेक्शन पे जाके आपको गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है। फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का कोर्स जो है आपके सिलेबस, भले आपका रीट है, आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आरपीएससी पर सभी जो कोर्स है आपके अवेलेबल है। 24 महीने का कोर्स जो है वो आमतौर पर थोड़ा सस्ता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सेक्शन आएगा जिसमें देखिए 12 महीने के कोर्स की फीस जो है वो 7,000 रुपए है, जबकि 24 महीने के की जो कोर्स की फीस जो है वो 8,400 रुपए। कितनी है? 8,400 रुपए है। लेकिन जब आप उसमें, आपसे वहां रेफरल कोड मांगा जाएगा, रेफरल कोड, उस रेफरल कोड में आप जब Suresh10 लिखोगे और प्रोसीड टू पे करोगे तो आपको वहां पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप देखोगे कि 10% डिस्काउंट के बाद में आपकी जो ये 8,400 रुपए की जो फीस है वो मात्र 7,560 रुपए हो जाएगी, 7,560 रुपए हो जाएगी। और 12 महीने की फीस जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ हो जाएगी, 6,300 रुपए। तो आप 10% डिस्काउंट के लिए Suresh10 जो कोड है रेफरल कोड में जरूर लिखिए। देखिए वहां पर जो आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ और हमारा जो कर्मचारी जो चयन बोर्ड है या मंत्रालय बोर्ड है, जिसके द्वारा आयोजित होने वाले सभी जो आपके कोर्सेज है वो सारे कोर्स अवेलेबल है, पूरे कोर्स के हिसाब से तैयारी। फिर आपको वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, आप एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। आप जो है, मैं आपको ये भी कहूंगा कि वहां पर जो है आपकी टेस्ट सीरीज भी शामिल है, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी शामिल है। और दूसरी बड़ी चीज, आरपीएससी पर पढ़ाने वाले जितने भी टीचर जो है उन सभी के कोर्स जो है वो भी इसमें शामिल है। आपको अलग से उन टीचर के कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में सभी कोर्स शामिल हो गए। और कोड यूज करना ना भूले, Suresh10 कोड है, ये जरूर याद रखें, ठीक है। देखिए आरएस प्री एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके जीवन का, आपका जो सपना है, आपके जो परिवार का सपना है, और इसी सपने, आपका जो ये ड्रीम है, इसे अचीव करने में आज हम एक रणनीति है वो मैं बताने वाला हूं। क्योंकि आप देखोगे एक चीज कि आरएस का जो एग्जाम है वो 2013 के बाद में चेंज होता जा रहा है, ठीक है। 2013 में बहुत बड़े लेवल पर आरएस प्री और मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, और आरएस प्री का जो 2013 में पेपर आया बहुत टफ आया, 2016 में भी एग्जाम पेपर टफ आया, बहुत अच्छा आया पेपर, और 2018 का जो भी पेपर था वो भी बहुत टफ पेपर था। इसके कारण 200 में से जो है 78 नंबर की आपकी कट ऑफ रही थी आरएस 2018 में। तो पहले तो हमने ये बात की थी कि आपके सिलेबस में क्या है और उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो हमने एक पहले वीडियो में आपसे मैंने बात की थी। आप सभी का स्वागत है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और देखिए
आपकी कोई भी क्वेरीज है, मैं चैट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूँ, वहां पर मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ और वहां पर आपको मैं रिप्लाई करूंगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इस नंबर 7568894446 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपका जो आरएस प्री का एग्जाम है, आरएस प्री का जो एग्जाम है जिसमें प्रीलिम्स में आपके टोटल आप देखोगे तो 150 प्रश्न आते हैं और 200 अंक का ये पेपर होता है। 150 प्रश्न आते हैं और 200 अंकों का ये पेपर है और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं कि 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन है एबीसीडी में आएंगे, उसको सॉल्व करना है। और अगर आपने गलत यदि उत्तर दिया है तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो 2013 के बाद में चूंकि ट्रेंड चेंज हो रहा था तो जरूरी हो जाता है कि देखिए अब वो समय है जिसमें आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कहीं पर कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, कहीं पर सेल्फ स्टडी भी आप कर रहे हैं, शहर में है, गांव में है, कहीं पर भी बैठकर आप पढ़ रहे हैं। बुक्स की तो मैंने बात की थी, आज हम बात करेंगे सवालों की दृष्टि से कि आपको किस लेवल तक जाकर आपको अपने आरएस की एग्जाम की तैयारी करनी है। एक लाइट चली गई, मैं ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर थोड़ा मैं होम टाउन आया हूँ, वहां पर लाइट की दिक्कतें रहती है। तो किस लेवल पर जाकर आपको जो है, खिड़की ओपन कर ली तो थोड़ा उजाला रहेगा, किस लेवल पर जाकर आपको अपने आरएस प्री की तैयारी करनी है। तो प्री की तैयारी करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि आरएस 2018 का पेपर और उस पेपर में आए हुए सवाल, मेरा आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास यदि उनका उत्तर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो अभी वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको बता दूं मोर देन 1000 वैकेंसी आएगी। गुड आफ्टरनून टू, मोर देन 1000 वैकेंसी आएगी क्योंकि 2-2.5 साल हो गए नहीं वैकेंसी आए, बहुत टाइम गुजर गया है, तो बहुत सारे पद रिक्त हुए हैं, तो बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी। तो एक बार जो है हम उन सवालों की दृष्टि से, आरएस प्री 2018 में सवालों की दृष्टि से हम जो है देखते हैं कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। आरएस प्री 2018 का पेपर देखते हैं और उसमें सबसे पहला सवाल आप देखिए कि उसके बाद मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री से कितने सवाल आए, पॉलिटी से कितने सवाल आए। देखिए पहला सवाल आया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। देखिए बहुत आप सवाल देख रहे हैं, ये आपका सवाल जो है ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से आपका ये सवाल है। लेकिन सवाल मैं आपको बार बार कहता हूं कि आरपीएससी में जो अब सवाल आ रहे हैं ना वो प्री में भी एनालिटिकल बेस पे आ रहे हैं, ठीक है, आपसे विश्लेषण करवाया जाएगा, आपसे विश्लेषण। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए सवाल का आप जो है इस सवाल को देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल ये कथन सही है, अस्वीकार कर दिया था और प्रांत कांग्रेस कही तो बिल्कुल ए और बी जो है ए और बी दोनों राइट थे। उत्तर नहीं देखना है लेकिन मैं आपके सामने सवाल देख रहा हूं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका जो ध्यान है कुछ इस तरीके से अपनी पढ़ाई पर आपको रखना होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं। जैसा कि सबको पता था बैराट में 16 कॉइन्स ऑफ किंग मिनेंडर हैव बीन फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, ये राजस्थान के किस टॉपिक से आया, पुरातत्व वाला जो टॉपिक है वहां से पूछा गया सवाल। हम क्या पढ़ते हैं आमतौर पर, किसने खोज किए, ज्यादातर हमारा ध्यान इस पे रहता है किसने खोज किए कब किए, लेकिन विशेषताओं को पढ़िए, क्या पढ़िए विशेषताओं को। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल था। एक और बता दो कि राजस्थान का आप जब राजस्थान पढ़ो ना, राजस्थान तो राजस्थान में एक तो है कला और संस्कृति और एक है इतिहास। तो जब भी आप पढ़ो ना तो उसमें सबसे पहले अपने आरएस के लिए तैयारी करो कला एवं संस्कृति से, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सबसे पहले कला एवं संस्कृति से शुरुआत करो,
आरपीएससी अब ज्यादा सवाल यहाँ से पूछती है। और इतिहास में भी जब आप पढ़ते हो ना, पापा मम्मी का नाम, यहाँ जो है राज्याभिषेक हुआ, यहाँ जन्म हुआ, छोड़ दो वो समय गया, आरपीएससी में किसी भी एग्जाम में वो समय गया। आप राजा और राजा के ज्यादातर पढ़ने हैं तो युद्ध पढ़ लो, या राजा का जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, कला की उन्होंने कौन सा स्थापत्य बनाया, दरबार में कौन से कवि हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, कौन से संग्रहालयों की स्थापना की, ये पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ो आप हिस्ट्री में भी, क्योंकि आजकल आरपीएससी यहाँ से सवाल पूछती है, ठीक है, ये सवाल ये था। फिर आप देखिए, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। नैमित्तिक किसे कहा जाता था? राजकीय कवि को, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख को, राजकीय ज्योतिष को, या मुख्य न्यायिक अधिकारी को? बहुत अच्छा सवाल है आपसे पूछा गया, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपसे पूछा गया। आंसर जो है मैंने आपके लिए जो है नीचे आप देखोगे कि आपके जो एक लिंक दिया है जिसमें आपको जो है आंसर शीट भी वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। अगला सवाल था क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिलेगी, ये केसरी सिंह भारत साहब से। जैसे वैसे मैंने उत्तर तो दे ही दिया था वहां पर, ठीक है, उत्तर है नीचे एबीसीडी में, तो उत्तर की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सवाल पूछा था आपको। राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 से ये सवाल पूछा गया। देखिए, राजा महाराजा से सवाल आपके सामने कम आएंगे, ज्यादातर सवाल आएंगे आर्ट एंड कल्चर, व्यक्तित्व से जुड़े हुए सवाल आएंगे। अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल था, आरपीएससी से जुड़ा हुआ, लेकिन कितना अच्छा सवाल, सब टॉपिक को छुआ जा रहा है। अगला सवाल, एकीकरण से, हमेशा एकीकरण से एक सवाल आता है। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राज्य या संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? अच्छा सवाल था। द प्रिंसली स्टेट विच वॉज नॉट द पार्ट ऑफ राजस्थान यूनियन फॉर्म्ड ऑन 25 मार्च 1948। अगला सवाल था, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? बहुत सिंपल सा सवाल था, सबको उत्तर पता होगा जैसा कि, लेकिन सवाल आया था राजस्थान अध्ययन की किताब से। मैंने सोर्स के बारे में बात की थी आपसे, कक्षा 9, 10, 11, 12। मैं आपके सामने जो चीजें लेके आ रहा हूं, आप सवालों को देखिए। देखिए ये सवाल किससे है? एकीकरण से। किससे सवाल है? एकीकरण से। ये सवाल किससे है? राजस्थान के व्यक्तित्व से भी आप जोड़कर देख सकते हैं, और राजस्थान में पत्र व पत्रिकाओं से, हमेशा सवाल आता है पत्र व पत्रिकाओं से। आप देखिए, टॉपिक में आपको बता रहा हूं कि आपको ज्यादा ध्यान कहां देना है। अगला सवाल देखिए, मंदिरों से सवाल आया। मैंने मंदिरों वाला अलग वीडियो आपके सामने रखा था, बहुत जरूरी था। ये कहां से आया? राजस्थान के स्थापत्य से आया सवाल। स्थापत्य में क्या शामिल होता है? मंदिर शामिल होता है, महल शामिल होती है, हवेलिया शामिल होती है, बावड़िया शामिल होती है, छत्रिया शामिल होती है। बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा गया। अगला सवाल देखिए, ये भी मंदिर से सवाल, कौन से टॉपिक से? स्थापत्य से सवाल पूछा गया, आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछा गया, स्थापत्य में किससे? मंदिर से सवाल पूछा गया। देखिए, चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा एक जैन मंदिर है? जैसा कि आपको सबको पता था कि ये जो मंदिर था, ये जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, लेकिन स्थापत्य से सवाल। सवाल नंबर 11, चित्रकला से हमेशा सवाल आता है, लेकिन कौन सी? राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछा, कला एवं संस्कृति से सवाल पूछा गया, ठीक है, कला एवं संस्कृति, ये भी कला एवं संस्कृति का ही भाग है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, साहित्य से सवाल पूछा, साहित्य और लेखक बोर मारवली यादवेंद्र चंद्र शर्मा, ठीक है, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदेव मेघ प्रकाश मुकुल और पग फेरो मणि मधुकर। अब सबको पता है कि बोर भालमली जो है, इसके लेखक यादवेंद्र शर्मा नहीं थे, हमने साहित्य वाले टॉपिक में कवर किया था। अब ये भी सवाल किससे पूछा? राजस्थान की कला एवं संस्कृति से। आज मैं आपको सवालों की दृष्टि से ये बताने वाला हूं कि आपको किस पर पकड़ करनी है, राजस्थान के इतिहास पे नहीं, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पर। दूसरी चीज, सवालों में किस तरीके से तैयारी करनी है। कहां से सवाल पूछा गया? साहित्य से सवाल पूछा गया। कहां से सवाल पूछा गया? अब देखिए, गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? सबको पता है कि गौरी देवी किससे जुड़ी हुई है, लेकिन सवाल कहां से था? कला एवं संस्कृति से। कला एवं संस्कृति से किससे था? राजस्थान के लोक नृत्य से। किससे सवाल था? राजस्थान के लोक नृत्य से, या राजस्थान के लोक गीत से जुड़ा हुआ था। आगे आप देखो, आगे नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? सबको पता था किसकी शिष्या थी, ठीक है, कि सबको पता था किसकी शिष्या थी, लेकिन सवाल किससे पूछा? राजस्थान की कला एवं संस्कृति से। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से सवाल पूछा।
किससे सवाल पूछा, ये कौन सा टॉपिक था, संत एवं संप्रदाय, ये हमारा टॉपिक था। अगला सवाल देखिए, ग्रासिया जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है, ठीक है, कौन सा नृत्य है, किससे सवाल पूछा गया, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से, कला एवं संस्कृति से। टॉपिक कौन सा था, राजस्थान के लोक नृत्य। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इतिहास से ज्यादा राजस्थान का इंपॉर्टेंस आपको कहां देना है, कला एवं संस्कृति पर देना है। देखिए, विजयदान देथा जी से सवाल पूछा, जब मैंने साहित्य पढ़ाया था तो वहां मैंने विजयदान देथा जी की जो ये किताबें थी, ठीक है, रूपायण संस्थान की बात मैंने की थी। सवाल किससे पूछा गया, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से। टॉपिक कौन सा था, राजस्थान का साहित्य। साहित्य से तो हमेशा 6 और 7 नंबर के सवाल आते हैं, इसलिए जो है हमने साहित्य को लगभग 6 वीडियो बनाए थे, 6 घंटे में केवल हमने साहित्य पढ़ा था। इंपॉर्टेंस आज के ट्रेंड के हिसाब से आपने पढ़ाई नहीं की है ना, और आप केवल किताबें लेके रटना बैठने शुरू हो गए, सवाल किस प्रकार से पूछे जा रहे आपने देखा नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ में, 2-2.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया वर्ल्ड ज्योग्राफी से, विश्व की ज्योग्राफी से, आपके सिलेबस में है विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में किससे सवाल पूछा गया, पर्वत शिखर और वो कौन से देश में स्थित है, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्षेत्र और स्थान, इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, जैव विविधता मापने के गणितीय सूत्रों में कौन सा जो है आवास क्षेत्र में विविधता को दर्शाता है, किससे सवाल पूछा गया, जैव विविधता से सवाल पूछा गया। क्यों पूछा, क्योंकि जैव विविधता आपके सिलेबस में है, मैंने सिलेबस के हिसाब से, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, मैं चैट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूँ, चैट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वहां पर मैं पूछ सकते हैं। आज का हमारा स्पेशल वीडियो आप सबकी डिमांड पर कि सर प्रीलिम्स का एक ट्रेंड बताया जाए, सवाल किस लेवल के आते हैं, तो मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं। मैंने आपको सिलेबस पहले बता दिया था और बुक लिस्ट भी पहले मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल विश्व के औद्योगिक प्रदेश से सवाल पूछा, विश्व के औद्योगिक प्रदेश से सवाल पूछा, क्यों पूछा, आपके सिलेबस में सीधी लाइन लिखी गई है विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अगर आपने किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो अगले साल भी सवाल आ सकता है, आपके साथ नुकसान होगा, अगर 1-1.5 नंबर से जो लड़का रुका होगा उनसे ये बात पूछ सकते हैं। विश्व के औद्योगिक प्रदेश से सवाल पूछा, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें आप सबको पता था कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि कहाँ है, वो यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में, बाकी पो घाटी इटली में है, कांटो मैदान जापान में है, और रूर जर्मनी में है। अगला सवाल, विश्व की नहर प्रणाली यानी कि विश्व की नहर यानी कि विश्व का जल परिवहन से सवाल पूछा, और आपके सिलेबस में एक सीधी लाइन लिखी गई है, ठीक है, विश्व का जल परिवहन, ठीक है, वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है, विश्व का वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपके जो है सिलेबस में सीधा सीधा लिखा गया है, वहां से सवाल पूछा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ध्यान में रखिए, अभी भी पढ़ रहे हैं तो सिलेबस की एक एक लाइन में बार बार आपको आगे कर रहा हूं, वहां पर आपको पकड़ करनी है, अगर नहीं पकड़ की है तो आपके साथ फिर नुकसान हो सकता है। फिर पूछा, भारत की पर्वतीय छोटी जो पूर्वी घाट में स्थित है, सिलेबस में वर्ल्ड सिलेबस में है आपकी भारत की ज्योग्राफी, और भारत की ज्योग्राफी से सवाल पूछा। देखिए, स्थानांतरण कृषि के नाम और राज्य, ये सवाल जो है एनसीईआरटी से आए गए, ठीक है, ये सवाल जो है एनसीईआरटी से आए, और मैंने बताया था क्लास 6 से लेकर 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। ये सवाल देखिए, भारत की कृषि से सवाल पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल था, कृषि से सवाल पूछा गया, एनसीईआरटी में था, आपको कवर करना है। आगे आप चलिए, आगे देखिए, ये जो सवाल पूछा ये हमारा आपके सिलेबस में लिखा है, ठीक है, ये जो भारत के वन्य जीव जंतु, लेकिन सवाल पूछा वन्य जीव जंतु में आपको 2018 तक भारत में कितने सामुदायिक रिजर्व थे, कंजर्वेशन रिजर्व थे, भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क थे, और भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य थे, ठीक है, यह आपसे सवाल पूछा गया था, आपको ध्यान में रखना था। अगला पूछा था आपसे साइंस एंड टेक, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपसे सवाल पूछा गया कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल व इसरो के सहयोग से क्या बनाया गया था, जैसा कि उस समय ये प्रचलन में था, लेकिन आपके साइंस एंड टेक से ये सवाल पूछा गया। मैंने आपको बुक तो बता दी थी, ठीक है, बुक तो मैंने बता दी थी आपको। इसके बाद देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी से बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, और लेकिन सिंपल है कि कौन से पर्वत कौन से जिलों में स्थित है, इस प्रकार से सवाल है, कौन से पर्वत, और पर्वतों से लास्ट टाइम 2 प्रकार के सवाल आए, पर्वतों से जो है 25वां और 26वां सवाल जो था वो पर्वतों से ही जुड़ा हुआ था, जालोर, बरवाड़ा, जयपुर, झारोल, सीकर, रघुनाथगढ़ और सीकर और सॉरी जो है ये अलवर, रघुनाथगढ़ और सीकर, भानगढ़, ठीक है, इस प्रकार से सुमेलित करना था, जैसे जालोर में जालोर है,
ठीक है, आप देखोगे कि अलवर में भानगढ़ है, ठीक है, जयपुर में बरवाड़ा है और सीकर में रघुनाथगढ़ है। बहुत सिंपल सा सवाल था, एक दो भी पता है तो आपका सुमेलित हो जाता था। फिर राजस्थान की कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का भाग है, जैसे कि मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है ये हाड़ौती प्रदेश में स्थित है। पर्वतों से सवाल पूछा गया, बहुत सिंपल सा सवाल था, बुक लिस्ट मैंने बताई थी। फिर आप देखिए राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से सवाल हर बार आता है, हर बार एक सवाल सिंचाई परियोजनाओं से आता है, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना, जाखम परियोजना। लेकिन सवाल कैसे पूछा कि सिंचाई परियोजना है और उससे कौन से जिलों को लाभ मिलता है, एक भी आपको पता था आपका काम हो गया। जैसे कि सबको पता था कि सिद्धमुख परियोजना से किसको लाभ मिलता है, सिद्धमुख परियोजना से लाभ मिलता है हनुमानगढ़ और चूरू से, जाखम परियोजना से उदयपुर प्रतापगढ़ से, जवाई परियोजना में जालौर पाली और जोधपुर को और नर्मदा को, जालौर और बाड़मेर को मिलता है। तो सुमेलित करना था, आपका सवाल बन गया था। अगला ऐसा ही सवाल, जैसे आप पढ़ते हैं कि धूलपुरी, जैसे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, रीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप पढ़ते हैं कि धूलपुरी आंधिया राजस्थान में सर्वाधिक जो है गंगानगर में आती है, कम जो झालावाड़ में आती है। लेकिन आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल आया कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए क्या उत्तरदायित्व है। कुछ स्थानों पर सेमिनी धारों की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, या अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। कितना अंडरस्टैंडिंग वाला आपसे ये सवाल पूछा, इसलिए ज्योग्राफी जो है मैं आपको बता रहा हूं कि हर चीज जो है वो आपको अच्छे से कवर करनी है। द डस्ट स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन राजस्थान इन मे एंड जून मंथ्स आर कॉज्ड ड्यू टू, बहुत अच्छा सवाल है, आपको यहाँ पर पकड़ करनी है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल पूछा गया और राजस्थान की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, निम्नलिखित में से कौन से सत्य है, ठीक है, संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 में बनी थी, राजस्थान खनिज नीति 2015 में आई थी, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 में आई थी, या राजस्थान अप्रधान खनिज रियात नियमावली 2016 में आई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन बहुत अच्छा सवाल, इसलिए मैंने आर्थिक सर्वेक्षण की आपकी अलग सीरीज शुरू की थी, वहां पर हम जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी नीतियां, इंडस्ट्री से जुड़ी नीतियां, इन्वेस्टमेंट नीतियां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपसे पॉलिसी पूछी जा रही है। आज का ट्रेंड ये है, आज का वो वाला ट्रेंड नहीं रहा जो रट्टू तोते वाला ट्रेंड था, ठीक है। आगे देखिए सर, आगे देखिए राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आया, लेकिन किससे जुड़ा हुआ था, खनिजों से। निम्नलिखित में से किन खनिजों में राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक है, सिलेबस में अच्छा सवाल था, आपसे पूछा गया सीसा, जस्ता, वेलेस्टेरोनाइट और सेलेनोइट और ताम्रा, ये पूछा तो तांबा तो नहीं था, सबको पता था कि तांबा, बब हटा दोगे, तांबा तो नहीं था, तो सवाल था अस और द, ये आपका आंसर था। फिर इकोनॉमिक सर्वे से एक और सवाल आया कि वर्ष 2017-18 में राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जैसे कि बाड़मेर सांचौर बेसिन उत्तर था, उस समय भी था और इस साल भी है, ये भी सर्वे में मैंने आपके कवर करवाया था। हर बार जनसंख्या से एक सवाल आता है, लास्ट टाइम भी सवाल आया था, जनसंख्या से हर बार एक से दो सवाल आते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा है, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है, जैसा कि इलेक्ट्रिक उद्योग जो है वो राजस्थान का मुख्य रूप से खनिज आधारित उद्योग जो है वो नहीं था। 2011 की जनगणना से दूसरा सवाल आ गया, देखिए जनगणना से एक और सवाल आ गया, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है, जैसा कि उत्तर बीकानेर नागौर था। बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा गया, जनसंख्या से हमेशा 4 से 5 नंबर के सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए, सर्वे में था उस समय जो है, लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे में था, 55 बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, जैसा कि सबको पता था कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के मध्य ये जो संयुक्त उपक्रम है, और लास्ट टाइम भी ये सर्वे में था और इस साल भी ये सर्वे में है। बहुत अच्छी चीज आपसे पूछी जा रही है, ऑथेंटिक सोर्स से पूछी जा रही है, कौन से जिलों को, कौन से उनके मस्कट, यानी कि कौन से जिलों को, कौन से उनके जिलों में निवास करने वाले पशु पक्षियों से जाना जाता है। 2016 में ये लिस्ट आई थी, आरपीएससी ने सवाल 2018 में पूछा, क्योंकि ये सिलेबस के हिस्से का भाग हो गई थी, आपसे सवाल पूछा गया।
पॉलिटी से तो बहुत अच्छे सवाल आए थे राजस्थान, केंद्रीय विधानसभा का या निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किए गए 1926, 1937, 1947 बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछा गया, बहुत डीप में पूछा गया, आपको ये ध्यान में रखना है। और किताब की मैंने बात की थी एम लक्ष्मीकांत, और एक आपको बेरेक खरीदनी है जहां पर आर्टिकल से जुड़े हुए सवाल आएंगे। एक किताब हमेशा एक दो सवाल हमेशा बुक से सवाल पूछे जाते हैं, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी, यह आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखिए, इंडियन पॉलिटी से भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है, ठीक है, यह आपसे सवाल पूछा गया, क्या यह वैश्य मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है, नहीं थी सॉरी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, कोई समितियों के सुमेलित वाले सवाल आए। अगला सवाल देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकार द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद की विधि, ये 15वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपके सिलेबस में संविधान संशोधन लिखा गया है, लक्ष्मीकांत किताब अगर जिसने भी पढ़ी थी अच्छे से उससे ये सवाल हो गया था। तो इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी देखिए मूल अधिकार में, देखिए मूल अधिकार में आर्टिकल नहीं पूछे, लेकिन मूल अधिकारों के संबंध में जो निर्णय आए थे, जैसे गोलकनाथ वाला मामला आया था, केशवानंद भारती मामला आया था, मिनर्वा मिल्स मामला आया था, गोपालन, तो कहा था कि कौन से पहला सवाल है, कौन से बाद का सवाल है, ये आपसे पूछा गया था। अब आप पढ़ते हैं स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन सवाल कितना बढ़िया और अंडरस्टैंडिंग वाला पूछा, 42, कि स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन से सदस्य रहे थे, A.R. अंतुले, S.A. Ray, हरिदेव जोशी और C.S. Stephen, कितना इंपॉर्टेंट और कितना डीप में सवाल पूछा गया, ठीक है, कितना डीप में सवाल पूछा गया। आज भी अगर रूम पे तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को जरूर देखिए, इन पेपर को जरूर देखिए। भारत का संविधान का अनुच्छेद 240 के अंतर्गत जो है उसके भाग 1 का ए, 1 का ख, 1 का ग ये जोड़ा गया है, आर्टिकल से सवाल पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल के लिए आपको छोटी सी एक किताब बेरेक खरीदनी है जिसमें सभी आर्टिकल मैंने बुक लिस्ट में बताया था। दूसरा, आपातकाल आपके सिलेबस में लिखा गया है, लेकिन आपातकाल में आपको आर्टिकल 352, 356 और 360 नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया कि आपातकाल कौन सी तारीख से लागू हुआ, भारत में आंतरिक अशांति वाला आपातकाल जो है वो कौन सी तारीख से जो है राष्ट्रपति ने इसकी उद्घोषणा की, आपसे वो सवाल पूछा गया, आपको इस पर पकड़ करनी है। अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 87, आर्टिकल से हमेशा 3-4 सवाल आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, एकदम आर्टिकल वाली लैंग्वेज है, बहुत डीप में सवाल पूछा। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत डीप में संसद से सवाल आया, भारत की संसद से सवाल पूछा गया, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं, बहुत डीप में सवाल पूछा गया, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर पूछा गया कि भारत में भारतीय संसद की कौन कौन सी जो है फाइनेंशियल जो है ये कमिटीज है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना था, बहुत सिंपल सा सवाल था, ये आपसे ये सवाल पूछा गया, आपको जो है इस पर अपनी पकड़ बनानी थी। अगला सवाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से सवाल पूछा गया, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से सवाल पूछा गया कि इसको जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो किसके समान है, आपसे ये सवाल पूछा गया, आपको जो है इस पर अपना ध्यान रखना था। अगला सवाल था, केंद्रीय सतर्कता आयोग आपके सिलेबस में है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इससे सवाल पूछा गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी, जैसा कि आपको सबको पता था, ये सिंपल सा सवाल था। फिर आपसे सवाल पूछा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से शुरू की गई थी, बहुत सिंपल सा सवाल था। कुछ सवाल देखिए, सवाल इस प्रकार से आए आर एस में आपके, कुछ सवाल बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत हार्ड है, कुछ सवाल जो है वो बहुत ईजी है, लेकिन बीच में जो मॉडरेट लेवल के सवाल है उसमें भी आपसे क्या पूछा गया, आपका कॉमन सेंस पूछा गया है, और आपको अपने कॉमन सेंस को डेवलप करना है, रटना नहीं है, आप सवालों को देख रहे हैं। अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बार बार कहूंगा कि पहले जो है आप राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़िए। फिर आपसे पूछा गया कि संविधान की, देखिए सवाल कितना अच्छा पूछा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2015 के क्या उद्देश्य है, आपके सिलेबस में सूचना का अधिकार है प्रीलिम्स में, तो सूचना के अधिकार जो 2005 आया उसके क्या उद्देश्य है, आपसे ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल पूछा गया कि किताब लेखक और उनकी पुस्तकें, करंट से ये सवाल पूछा था, आपको ध्यान में रखना था, वैसे पॉलिटी से जुड़ा हुआ करंट था,
अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हम लक्ष्मीकांत की किताब, हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है। देखिए आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इस नंबर 7568894446 पर आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैंने बुक लिस्ट वाली बुक लिस्ट और मैंने जो सिलेबस आपका वहां डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपके सामने 2018 का पेपर इसलिए लेके आया हूं ताकि आप सवालों को देखकर अपनी तैयारी करें कि आपको किस लेवल पर जाके प्रिपेयर करना है, क्यों 78 नंबर कट ऑफ जाती है। अगला सवाल देखिए, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368(2) के अंतर्गत जो है कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं और अनुसंवर्तन के लिए जो है राज्य सरकारों के पास में क्या विकल्प रहते हैं, ये सवाल पूछा गया क्योंकि संविधान संशोधन आपके सिलेबस में लिखा गया है। ठीक है, संविधान संशोधन से दो सवाल आए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आया कि राजस्थान में कौन सा अधिनियम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे सिलेबस में आर एस प्री में लिखा है पंचायती राज, क्या लिखा है पंचायती राज, लेकिन आरपीएससी जो है कितना डीप में जैसे मैं आपके सामने सर्वे लेके आता हूँ, विभागों की चीजें लेके आता हूँ ताकि जो है आरपीएससी जहां से चीजें खंगाल रही है हम वहां से खंगाले चीजों को, बहुत जरूरी है पढ़ना, हर चीजों को किताब से नहीं कवर करना है, कुछ जो है हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा, ठीक है, आमतौर पर जो कोचिंग क्लासेस थे वो धरे के धरे रह गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है, पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज नियम 1996, पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में लागू अधिनियम 1999 या 2011 की नियमावली। यानी कि आपने पंचायती राज में यदि केवल 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ा और एग्जाम देने के लिए गए तो अब वो चीज नहीं है, आपको चीजों को खंगालना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, ये तो हमने पॉलिटी, हम जैसे पॉलिटी कवर कर रहे हैं तो मैं इसी चीजों को आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। डेली 12 बजे जो है हम यूट्यूब पर राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राजस्थान की पॉलिटी में इसी तरीके की चीजें पढ़ रहे हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है राजस्थान उसमें जो चार्ट बने हुए हैं जहां से आरपीएससी सवाल पूछती है वहीं से पढ़ रहे हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कभी नहीं रहे, जैसा कि शिवशरण माथुर और अशोक गहलोत साहब कभी प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे थे, कभी जो है प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे और हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री वाले चैप्टर में इसे कवर किया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त जो है वो जांच नहीं कर सकता, बहुत अच्छा सवाल था, जांच जो है वो नहीं कर सकता, सरपंच और पंच के विरुद्ध जो है वो, ये सरपंच और पंच जो है वो आप देखोगे कि लोकायुक्त के दायरे में नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 1973 में लोकायुक्त जो कानून बना था उसमें इनको शामिल नहीं किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल जो है आपका मानवाधिकार आयोग से संबंधित सवाल पूछा गया और इसमें जो है कब बना, ये 18 जनवरी 1999 को बना, बिल्कुल बना, 2006 में इसमें संशोधन किया, लेकिन इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं थे, कितने थे दो सदस्य थे ये आपको ध्यान में रखना था। ये इन्होंने जो है आरपीएससी ने इस प्रकार से जो इसमें चेंजेस किया था। आगे आप देखोगे कि उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन से राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में नहीं रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यानी कि आप राजस्थान के उच्च न्यायालय पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से न्यायाधीश जो है वो राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना था। और हमने जब राजस्थान का उच्च न्यायालय कवर किया है तो उसमें मैंने आपके सामने एक पूरी कंप्लीट जो है वो लिस्ट रखी थी, आपको ये चीज ध्यान में रखनी थी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल था, आपसे ये सवाल पूछा गया, उसी लिस्ट से पूछा गया, आपको ध्यान में रखना था। अगला सवाल देखिए राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव जो है उसकी प्रक्रिया के नियम के संबंध में कौन से कथन सही है। राजस्थान की पॉलिटी में जो आपका टॉपिक है विधानसभा, उस विधानसभा के ये टॉपिक से सवाल पूछा गया, लेकिन बहुत ही ये डीप वाला सवाल है जहां आपको जो है अपनी एक अंडरस्टैंडिंग समझ करनी थी तभी ये सवाल हो सकता था, आपको इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के सवाल हैं जो आपके सामने हैं, जैसे कि एक सवाल और पॉलिटी से था जो राज्यपाल से सवाल पूछा गया कि कौन से जो ऐसे
संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल सिफारिश की, राजस्थान की राज्यपाल की सिफारिश जो अपेक्षित है, यानी कि राज्यपाल से सवाल पूछा गया, आपको ये ध्यान में रखना था, सिलेबस में है। फिर आप देखोगे कि कौन सी वस्तुएं जो है जिनको जीएसटी के अंतर्गत रखा गया था, आपको ये ध्यान में रखना था। 2016 से 2021 के मध्य जो है जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये भी राजस्थान की जो है ये सॉरी इंडिया की इकोनॉमी से सवाल पूछा गया। आप देखोगे आगे की भारत को प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है वो 2016-17 में कहाँ से मिला ज्यादा हमें, तो ये जो सवाल पूछा गया ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। ये सवाल आपसे पूछा गया कि कंपनी प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारों की प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती है, बहुत इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, लेकिन एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया, अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था ये, आपको ध्यान, आप सवालों को देख रहे हैं, 150 सवाल तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सवालों को देख रहे हैं कि सवाल जो है आपसे कितने डीप में पूछे गए। जैसे आप राजस्थान की इकोनॉमी कवर कर रहे हो, राजस्थानी इकोनॉमी में राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछे गए, जैसे राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2017-18 में राजस्थान की जो जीडीपी है उसकी स्थिर कीमतों पर क्या वृद्धि दर थी, ये सवाल पूछा गया। हाल के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में कौन सा मद सर्वाधिक जो है उसका हिस्सा रहा, ठीक है, राजस्थान को सर्वाधिक विद्युत क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है, ये सारे सर्वे से सवाल है। और हमने है जो हम सर्वे को बहुत डीप में पढ़ रहे थे, हम जो है सर्वे में हमने बहुत डीप में कवर किया है, और प्लस पर जब आप जुड़ते हैं तो प्लस पर इसी प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। जब हम आपके सामने सवाल या क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं तो आपको इसी तरीके के नोट्स मिलेंगे, आपकी इसी तरीके की जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी ताकि आपकी चीजें जो है सॉल्व हो पाए, ऐसा नहीं है। देखो राजस्थान में योजनाओं से हमेशा सवाल आता है, जैसे सर्वे में आपका सवाल था स्वावलंबन योजना से सवाल पूछा गया, एम्पावर पच्ची भी मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान से सवाल पूछा गया, इकोनॉमिक सर्वे में था ये, आपसे सवाल पूछा गया इकोनॉमिक सर्वे में था। तो इस प्रकार से जो कई प्रकार के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, और वहां पर जो है बहुत डीप में पूछे जा रहे हैं, देख रहे हो आप ट्रेंड बहुत ही चेंज हो गया है, इसलिए आपकी जो कट ऑफ है 78 मार्क्स जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब मैं आपके सामने एक चीज लेके आया हूँ जिसमें आपको ट्रेंड भी थोड़ा बता देता हूँ कि किस से किस प्रकार के सवाल पूछे गए, आप ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। 2018 का जो ये पेपर आया था जिसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करके मैंने आपके सामने रखा था कि सवाल किस तरीके के आते हैं, बहुत डीप में सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 157 अभी के 2018 का जो ये पेपर आया उसका मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो उसमें देखिए कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और लिटरेचर, इससे कुल सवाल जो थे वो 13 पूछे गए, ठीक है। राजस्थान की जो हिस्ट्री है कल्चर और लिटरेचर से जो सवाल पूछे गए थे वो 13 सवाल, यानी कि 150 में से 13 सवाल यहाँ से पूछे गए थे। इंडिया की हिस्ट्री भले ही वो प्राचीन काल से जुड़ी हुई हो, ठीक है, मध्य काल से जुड़ी हुई हो या आधुनिक काल से जुड़ी हुई हो, तो इंडियन हिस्ट्री से टोटल 15 सवाल आपसे पूछे गए, कितने 15। फिर आप देखोगे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उससे आपसे 11 सवाल पूछे गए, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी से आपसे 18 सवाल पूछे गए, टोटल राजस्थान की ज्योग्राफी से आपसे 18 सवाल पूछे गए। इंडिया की पॉलिटी से आप देखोगे तो 15 सवाल इंडिया की पॉलिटी से आए, और लेकिन राजस्थान की पॉलिटी से सवाल आए वो भी कम नहीं थे, 8 सवाल राजस्थान की पॉलिटी से पूछे गए। आगे आप देखोगे तो इंडिया की इकोनॉमी से आपसे सवाल पूछे गए, टोटल 8 सवाल इंडिया की इकोनॉमिक से पूछे गए, और राजस्थान की इकोनॉमी से जो सवाल पूछे गए थे वो पूछे गए थे 6 सवाल, और ये पूरे जो 6 सवाल है लगभग 10 नंबर के जो सवाल थे ये पूरे 6 सवाल ये पूरे राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे गए थे, किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बुक की मैंने आपसे पहले बात की थी इसलिए यहाँ पर बुक की बात नहीं करेंगे। फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सवाल पूछे गए थे वो पूछे गए थे 14 सवाल वहां से पूछे गए थे। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग से जो आपसे सवाल पूछे गए थे वो टोटल 20 सवाल पूछे गए थे, 20 सवाल मैथ और रीजनिंग के, इसको मिस मत करना क्योंकि 78 नंबर की कट ऑफ जाती है और उसमें 20 सवाल यदि मैथ और रीजनिंग से आए जिनकी अच्छी है उनका प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाएगा। करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ दो भागों में बांटा है जिसमें आप देखोगे कि राजस्थान स्कीम्स एंड पॉलिटी की बात करें तो वो टोटल 4 सवाल आए थे और राजस्थान के कुछ ऐसे सवाल थे जो मिक्स में थे जिनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, वो 3 सवाल है। और इंडिया के डिफेंस से रक्षा प्रौद्योगिकी से 2 सवाल आए,
इसके बाद आप देखोगे कि इंडिया की जो योजनाएं थी, भारत सरकार की योजनाएं थी, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया था लास्ट टाइम, लेकिन इंडिया एंड वर्ल्ड की करंट अफेयर्स जो है उससे टोटल करंट अफेयर्स के आपके सामने 13 सवाल आए थे, इस प्रकार से आपके सामने 150 सवाल। अब आप ज्यादा वेटेज देखोगे तो एक तो करंट अफेयर्स का है, आप देखिए एक आपके मैथ और रीजनिंग का है, एक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एक आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर 15 सवाल, इंडिया की हिस्ट्री से सवाल आए, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड से 11 सवाल, राजस्थान ज्योग्राफी से 18 सवाल, 15 सवाल इंडिया की पॉलिटी से, 8 सवाल राजस्थान की पॉलिटी से, इंडिया एंड राजस्थान की इकोनॉमी से टोटल 16 सवाल। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर आपको पकड़ बनानी है। तो कुछ इसी प्रकार की जो तैयारी है आपकी पूरी आरएस की जो है, पूरी आरएस की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो, और जो आज का ट्रेंड है, आपने सवालों को देखा होगा, इस ट्रेंड के हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, मैं चैट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैंने पहले बुक्स बुक्स की मैंने पहले आपसे बात की थी और सिलेबस मैंने आपका डिस्कस किया था। आज मैंने एक पेपर रखा आपके सामने प्रीवियस ईयर का, ताकि आप ये समझ पाए कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो वहां पर आप देखोगे कि आपकी आरएस प्री और मेंस की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आपके जो है पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और आपकी वहां पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी शामिल है। इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जो आपका आरएस का जो कोर्स है, जिसमें सभी टीचर्स के कोर्स शामिल है, इसमें केवल मेरे नहीं, इसमें सभी टीचर्स के कोर्स शामिल, जो कोर्स है वो शामिल है। आपको जो है इसकी पूरी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, 8,400 रुपये ओनली। लेकिन आप जब रेफरल कोड में सुरेश10 कोड यूज करेंगे, सुरेश10 जो कोड है इसे यूज करेंगे, रेफरल कोड में सुरेश10 आपसे जो है रेफरल कोड मांगा जाएगा, तो उसमें आपका ये जो है 10% उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही जो आपका कोर्स है वो मात्र आपके लिए 7,560 रुपये में अवेलेबल होगा। तो 10% डिस्काउंट के लिए आपको ये चीज सुरेश10 कोड जो है इसे यूज करना है। और आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इस नंबर 7568894466 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी मेरे कई सारी क्लासेस जो है प्लस पर चल रही है, आप पहले से स्टार्ट से जो है उन क्लासेस को देख सकते हैं। आप भले ही अभी ज्वाइन करो, लेकिन वो सारे कोर्स जो है या सभी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल वहां रहेगी, और मात्र इस कोड के द्वारा आपके सभी टीचर के जो कोर्स है वो आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस रखे थे। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं या अपने लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर भी आप उन सवालों को ध्यान में रखिए और इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ताकि अगला जो आपका प्री आए जिसमें मोर देन 1,000 वैकेंसी आए, वो जो है उसमें आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू, बाय बाय।